नमस्ते। हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत ही स्वादिष्ट व सेहतमंद लड्डू बनाए जाते हैं, वो है गोंद के लड्डू। यही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने तिल के लड्डू भी बनाए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी प्लीज जरूर देखिएगा। तो आइए हम जान लेते हैं गोंद के लड्डू बनाने में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, 100 ग्राम हमने गोंद ली है, 50 ग्राम हमने किशमिश ली है, 50 ग्राम ही हमने बादाम ली है, 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है और 100 ग्राम हमने सूखा हुआ नारियल लिया है जिसको हमने इस तरह से घिस लिया है। आप चाहो तो मिक्सी में इसको बारीक भी पीस सकते हैं। तो आइए अब हम बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम गैस पर इस तरह की हैवी बॉटम की हम कढ़ाई रख लेंगे और इसमें हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। गोंद के लड्डू बनाते समय घी का कोई मेजरमेंट नहीं होता है क्योंकि ये सर्दियों में खाई जाने वाली खास मिठाई है, तो घी तो हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार हमें घी की जरूरत पड़ेगी। जब तक घी गर्म हो रहा है हम गोंद को चेक कर लेते हैं कि कोई इसमें बड़ा तो नहीं है, क्योंकि हमें एक ही साइज के सारे गोंद चाहिए ताकि वे इक्वली हम तल सकें। अगर आपको कोई लगे गोंद बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा कूट कर महीन कर लेंगे। मैंने वैसे तो ये सारा बारीक गोंद ही लिया है तो ये बराबर है। अगर आपको लगे कि गोंद इवनली नहीं है या कोई कोई बड़े दाने हैं तो आप इस तरह से इसे कूट सकते हैं। ये गोंद थोड़ा महीन होगा जब ही तलने में भी अच्छा रहेगा और ये अंदर तक इसकी सिकाई हो जाएगी। इस तरह से हम इसे थोड़ा और बारीक कर लेंगे और इसी में हम मिला देंगे। और ये घी भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें एक दाना हम गोंद का डाल के इस तरह से चेक कर लेंगे घी गर्म हुआ है या नहीं। घी अभी हमारा गर्म नहीं हुआ है कि गोंद डालते ही एकदम ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए तलने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। हमें ज़्यादा गर्म घी में भी गोंद को नहीं सेकना है, नहीं तो वो जल जाएगा, ऊपर से तो जल जाएगा और अंदर तक इसकी सिकाई नहीं होगी, कच्चा रह जाएगा। तो हम दो एक दो दाने गोंद के इसमें डालेंगे और चेक कर लेंगे कि घी हमारा गर्म हो गया है कि नहीं। गोंद डालते ही एकदम ऊपर आ जाना चाहिए तो इसका मतलब ये तलने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा गोंद इस तरह से फैला के डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें पूरे गोंद को तल लिया है। तो आप देख सकते हैं ये गोंद अच्छी तरह से सिककर तैयार हो चुका है। देखिए आप, हम अपनी हाथों की सहायता से इसे इस तरह से फोड़ कर देखेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने जो गोंद लिया था उसको इस तरह से देखिए आप, हमने तल कर रख लिया है। अब जो इस तलने के बाद जो बचा हुआ घी था उसी में हम आटा डाल रहे हैं, उसी घी में अब हम ये आटा सेक लेंगे। मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने छान लिया था। आटे को भी हम एकदम स्लो और मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे ताकि इसकी सिकाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और हमें गुलाबी होने तक इसे सेकना है। हम थोड़ा घी और ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम इसे सेकते जाएंगे। ये आटा सेकते हुए मैं करीब 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी छूटने लगा है लेकिन अभी पूरी तरह से ये सिकाई नहीं हुई है, इसे अभी हमें थोड़ी देर और सेकना पड़ेगा। तो इसे हल्का गुलाबी होने तक हमें सेकना है।
तो इसमें आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पेट दर्द होने की संभावना रहती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आटे की सिकाई अच्छी तरीके से हो। इसे इस तरह से लगातार चलाते रहें और गैस की फ्लेम स्लो मीडियम पर ही रखें। हम इसे करीब 5 मिनट और भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं करीब 15 मिनट हमने इसे और सेका है और इस तरह से देखिए पूरा घी इसमें चमक रहा है, मतलब कि ये आटा अच्छी तरह से सिक गया है। गोंद के लड्डू में बस इसी चीज में समय लगता है आटा सेकने में। तो आप बहुत ही पेशेंस के साथ इसे मंदी मंदी आंच पे सेकिए, तभी गोंद के लड्डू और भी स्वादिष्ट बनते हैं। जल्दबाजी ना करें, तो आटा नहीं जलना चाहिए, नहीं तो कड़वा कड़वापन महसूस होगा। तो ये आटा हमारा सिक चुका है। तो आइए अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से हम कोई एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम सारी चीजें मिला सके। तो ये हमने जो गोंद तल के रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ये जो किसा हुआ नारियल है वो इसमें डाल देंगे, जो हमने किशमिश ली थी वो भी इसमें डाल देंगे। हमने जो बादाम ली थी उसको हमने मिक्सी में इस तरह से दरदरा पीस लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और जो ये आटा हमने सेका था वो भी अब इसमें हम मिला देंगे। अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, जैसे कि पिस्ता हुआ, मगज के बीज हुए, लेकिन हम और कुछ ज्यादा ड्राई फ्रूट्स न मिलाते हुए हम सिर्फ गोंद ही और नारियल इन्हीं चीजों को अच्छे से मिलाया है। आप चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट्स में मिला सकते हैं। तो आइए चलते हैं आप दूसरे प्रोसेस की तरफ। हमने फिर से वही कढ़ाई रख ली है जिसमें हमने आटा सेका था और उसमें करीब हम 1 चम्मच से थोड़ा सा कम या 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। घी की मात्रा थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, मेन तो है कि आटा सेकने में भी घी थोड़ा कम ज्यादा लग सकता है और ये चीज सर्दियों में खाई जाती है, तो इस चीज की तो आप बिल्कुल ही चिंता ना करें क्योंकि सर्दियों में तो घी खाया ही जाता है। घी पिघल चुका है तो जो हमने ये गुड़ लिया था उसको इस तरह से बारीक बारीक कट तोड़ लिया है और अब हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे। हमें गुड़ को सिर्फ पिघालना है, इसकी चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनानी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि गुड़ ज़्यादा अगर कड़क हो गया तो लड्डू सख्त बनेंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें, घी डालने का मतलब ही है कि गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए। गैस की फ्लेम स्लो ही रखें, तो हाई फ्लेम पर इसको ना पकाएं। आप देख सकते हैं गुड़ पिघल गया है, थोड़े से और इसमें कुछ कुछ है दाने, उसको भी अच्छी तरह से हम गला लेंगे। इसे इस तरह से लगातार चलाते रहें और गुड़ पिघलने तक ही हमें इसे पकाना है। वैसे तो गोंद का लड्डू में कई लोग शक्कर या बूरा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम गुड़ के साथ ही इसे बना रहे हैं क्योंकि ये और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है और थोड़े थोड़े से इसमें बबल्स भी आने लगे हैं। तो बस अब गैस की फ्लेम को कर दीजिए ऑफ और इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी ही करें। अब इस मिश्रण में हम इसको फटाफट ही मिला लेंगे। इस समय अगर घर के 2 जने हो तो बहुत ही अच्छा है, फटाफट कढ़ाई पकड़ के और इसको मिक्स करना शुरू कर दें क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी ठंडा भी होना शुरू हो जाता है। तो आप फटाफट ही मिलाएं। गुड़ अभी भी काफी गर्म है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें और धीरे धीरे पलटे से इसे मिला लें। अब मैं हाथों की सहायता से इसे मिक्स करूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये गुड़ इस मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं आपको एक लड्डू बना के बताती हूँ।
और इसे गरम गरम में ही हमें बांधना है, क्योंकि ठंडा हो गया तो ये बंधेंगे नहीं। आप देख सकते हैं इस तरह से फटाफट इसके लड्डू बना लें। हमारे यहाँ तो सर्दियों में ये लड्डू बना के डब्बों में रख देते हैं और सुबह का नाश्ता इसी से किया जाता है, और इसके साथ एक ग्लास दूध पी लेते हैं तो दोपहर तक की भूख नहीं लगती। और प्रेगनेंसी के बाद भी महिलाओं को ये दिया जाता है ताकि उनमें फिर से वो ताकत लौट आए। बच्चों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद चीज़ है, इसलिए बड़ों बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक ये जरूर देना चाहिए सर्दियों में। तो ये सारे लड्डू बनाने में करीब हमारी 4 बड़ी चम्मच घी की लगी है, तो आप देख सकते हैं घी उतना ज़्यादा भी नहीं लगाया लेकिन लड्डू बहुत ही अच्छे बने हैं। घी का अंदाजा हम पहले नहीं लगा सकते इसलिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से गोंद के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, आप भी इसी तरह बनाएं और इसका आनंद लें। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और भी हेल्दी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।